गाइस गुड मॉर्निंग, मेरी बताई हुई ये सिर्फ 4 एक्सरसाइजेस 15 दिन फॉलो कर लीजिए, आपकी 36 की कमर 30 की हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये इतनी सुपर डुपर इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है, आपको कैसे फॉलो करना है। और इन एक्सरसाइज से बहुत इंपॉर्टेंट एक पहले स्टेप है जो आपको सुनना होगा, फॉलो करना होगा। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इंचेस लूज करने में। इनफैक्ट आपके पेट की नहीं बल्कि आपके बॉडी में जहां भी फैट है, आपके आर्म्स फैट है, लेग्स फैट है, उसको भी रिड्यूस करेगा। लेकिन वीडियो को बिना स्किप करें स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम भी मैं आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन देती हूँ कि कब आपको ब्रीथ लेना है, कब आपको अपनी कोर को यानी अपने पेट के मसल को एंगेज करना है। तो वो सब स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वर्कआउट करेंगे, सिर्फ देख लिया सुना नहीं, तो उससे आपके उतना इफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो वो इंपॉर्टेंट स्टेप जरूर सुनिए और आपके ऊपर 15 डेज में क्या रिजल्ट रहा वो जरूर शेयर करना। लेकिन उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन को जब प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और 15 डेज बाद आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए, आपने कितने दिन इस एक्सरसाइज को फॉलो किया, तो डे फर्स्ट डन, डे टू डन, इस वीडियो के नीचे कमेंट करते रहिएगा रोजाना 15 डेज तक कि आज आपने वर्कआउट करा, आज भी किया, आज भी किया, आज भी किया। तो ऐसे आप कमेंट करना विद सिटी नेम, डेफिनेटली मैं आपकी फोटो, आपने आने वाले बदलाव हर कुछ अपने चैनल पे शेयर करूंगी। और आप मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लव यू ऑल गाइस। तो चलिए, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। हमें लगाना है अपने पेट पर इस मैजिकल ऑयल को। ये मैजिकल ऑयल आपके इंचेस को बहुत जल्दी लूज करेगा। इनफैक्ट इंचेस ही नहीं, आपके बॉडी में जहां भी फैट है या पूरी बॉडी पर भी इस मैजिकल ऑयल को अप्लाई करके वर्कआउट करें और फिर देखें इसका बेहतरीन रिजल्ट, ठीक है। इस तरह का ऑयल लगाने के बाद, इस तरह का आप कोई भी रैपर खरीद सकते हैं मार्केट से, ये मैंने डिकैथलॉन से लिया था, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वेटर देता है आपकी बॉडी में। इस ऑयल को लगाने के बाद आप इस तरह से रैप कर सकते हैं अपने बॉडी एरिया को। अगर आपके पास इस तरह का रैपर नहीं है तो मार्केट में फूड रैप्स आते हैं प्लास्टिक वाले, उससे आप अपने बॉडी पार्ट को कवर कर सकते हैं, जिससे आपका पसीना ज्यादा निकलेगा, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जल्दी वेट लॉस होगा। और साथ में अगर इस तरह का रैपर भी नहीं तो कोई टेंशन मत लीजिए, बस इस मैजिकल ऑयल को पूरे बॉडी पर अच्छे से लगा लीजिए और उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करें, फिर देखें उसका बेहतरीन रिजल्ट। और ये मैजिकल ऑयल बनाना कैसे है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। और इस वीडियो के ऊपर छोटा सा आई बटन आ रहा है, उस पर भी क्लिक करके आप इस ऑयल को बनाने का तरीका और इसके फायदे जान सकते हैं। तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। बारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद अपने हाथों को ऊपर लेकर जाइए, अपने फेस से ऊपर लेकर जाइए, बिल्कुल सीधा कर लीजिए अपनी बाजू को। उसके बाद अपने राइट पैर को सीधा करिए। आपने अपने मैट से या दरी से जो भी आपने बिछा रखा है उससे आपको डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करना है। अपनी प्रॉपर लेग को, एक लेग को स्ट्रेच देना है और उस टाइम पे आपको सांस अंदर खींचना है, जिससे आपकी पेट की मसल, कोर मसल एंगेज होंगी, वो टोन होना स्टार्ट हो जाएंगी, वहां का फैट लूज होगा, आपको शिवरिंग फील होगा। आपने कुछ सेकंड्स होल्ड करना है, देन वापस बैक करना है। एक साइड आपको करने हैं 10 रैप्स और 10 रैप्स के करने हैं आपको 4 सेट। ऐसे ही आपको अदर साइड पे भी सेम प्रोसेस करना है। तो आपको दोनों तरफ इस तरीके से अपनी लेग को स्ट्रेच करना है, वापस आते टाइम सांस छोड़ना है, और जब अपनी लेग को आप नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा कर रहे हैं, तो सांस आपने खींचना है। खींचने के टाइम आपको अपने पेट को बिल्कुल सिकोड़ लेना है। जितना आप अपने पेट को सिकोड़ेंगे, अंदर सक करेंगे, उतनी ही आपकी वहां की यानी कोर मसल, लोअर और अपर टमी पे बहुत अच्छा लोड पड़ेगा, वहां का फैट लूज होगा। तो अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। बारी आती है सेकंड एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको अपनी लेग्स को दोनों को ऊपर उठाना है, सीधा कर लेना है, स्लाइटली सा बेंड कर लीजिए। उसके बाद अपने हाथों को अपने गर्दन के पीछे लेकर जाइए और अपनी बॉडी को यानी अपनी हाफ बॉडी को आगे लिफ्ट करिए। इसे कहते हैं फुल क्रंचेस। फुल क्रंचेस करने के टाइम आपको ध्यान देना है, जब आप ऊपर की तरफ आएंगे आपको सांस छोड़ना है, और जब आप नीचे लेटेंगे तो आपको सांस खींचना है। खींचने के टाइम आपको सिर्फ अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस पे ध्यान ना देते हुए
इसके साथ आपको आपके पेट की मसल यानी कोर मसल पर भी ध्यान देना है कि आपको आपके पेट को अंदर सिकोड़ना है, सख्त करना है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके इससे बहुत जल्दी टमी पे लोड पड़ेगा, वहां का फैट टूटेगा, आपका टमी पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के आपको करने हैं 10 रैप्स और 10 के करने हैं आपको कम से कम 5 से 6 सेट। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। गाइस अब बारी आती हमारी थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, मैट पर प्लैंक पोजीशन लेनी है। प्लैंक पोजीशन लेके आपको अपनी लेग्स को ओपन करना है, देन जॉइन करना है जंप करके। अपनी हाफ बॉडी को आपने जंप करवाना है। इससे क्या होता है, जब हम जंप करके जॉइन करते हैं तो इससे आपके टमी एरिया पे बहुत ही ज्यादा लोड पड़ता है, आपकी मसल्स खिंचती हैं और वो फैट टूटने लगता है धीरे धीरे, और आपकी मसल्स जो आपका लटकापन है ना जिसे ढीला बना जाता है पेट में, वो टाइट होने लगता है, ऊपर फर्म होने लगती है आपकी स्किन, आपकी मसल। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है एक्सरसाइज, आपके बहुत जल्दी लोअर और अपर टमी को अंदर स्क्वीज करता है। जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपने इसके करने हैं 10 रैप और 10 के करने हैं आपको 6 सेट। बारी आती है हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की। फोर्थ एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है बाकी एक्सरसाइजेस की तरह। इसमें आपको प्लैंक पोजीशन में आना है। प्लैंक पोजीशन में आने के बाद आपको अपने हिप को ट्विस्ट करना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मैं अपने हिप का एक पोर्शन अपने मैट से सटा रही हूँ, देन अपनी बॉडी को लिफ्ट करती हूँ, फिर अपने बॉडी को साइड पे लेके जाती हूँ। लेकिन आपने जो अपनी बॉडी मूवमेंट करनी है ना, वो आपने अपने बाजू के बेस पे नहीं करनी, बल्कि अपने कोर मसल को खींचते हुए, अपने पेट पे लोड डालते हुए अपने बॉडी को टर्न करना है। क्योंकि जितना आप अपने पेट के मसल्स पर टोन करते हुए यानी लोड डालते हुए अपनी बॉडी को यानी हिप को ट्विस्ट करेंगे साइड टू साइड, तो उतना ही आपके वहां का यानी लोअर टमी का और अपर टमी का फैट लूज होगा। तो प्लीज सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कोर यानी अपने पेट की तरफ फोकस करें, ना कि रैप्स की तरफ। रैप्स तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले परफॉर्मेंस आपकी आती है एक्सरसाइज की, कि आप वर्कआउट किस तरह से कर रहे हैं, अपनी उस मसल को कितना एंगेज कर रहे हैं। जितना हो सके उतने रैप्स डे बाय डे इंक्रीज करें, सेट्स इंक्रीज करें। इसके भी आपको करने हैं 10 और 10 के आपको करने हैं इसके 6 सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। गाइस यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा पूरा वर्कआउट। आप देख सकते हो मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो सबसे मेन चीज है कि आपने इस ऑयल को लगाना है। ऑयल को लगाने के बाद आप इस तरह का कोई भी रैपिंग अगर आपके पास है तो आप उसको बांध सकते हैं। अगर ये रैपर इस टाइप का नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फूड रैप मार्केट में आते हैं प्लास्टिक वाले, उसको रैप कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो सिर्फ ऑयल लगाओ जहां जहां आपके बॉडी में फैट है। सपोज ब्रा फैट है आपका, आपकी आर्म्स बहुत हैवी हैं, लेग्स बहुत हैवी हैं, थाइस बहुत हैवी है, वहां पे अच्छे से उसको मल लो। ठीक है, और शॉर्ट्स वगैरह कंफर्टेबल कपड़े पहन के आराम से बहुत फास्ट म्यूजिक चलाओ, और ताकि आपको एकदम अंदर से जोश रहे, आग रहे, और ये वाला वर्कआउट फॉलो करो। ट्रस्ट मी, ये आपके पेट को ना 15 दिन में पिघला देगा। ये मेरा चैलेंज जो मैंने आपसे बोला है, डेफिनेटली आपके इंचेस इतने लूज होंगे, लेकिन आपको इसको रेगुलर फॉलो करना है, और फॉलो करने के साथ अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है। देखिए 80% डाइट इफेक्ट करती है और 20% जो होता है एक्सरसाइज काम करती है। डाइट का मतलब ये नहीं कि भूखे रहो, हेल्दी डाइट लो। शुगर, नमक और तला भुना खाना चाहे घर पर हो या बाहर हो अवॉइड कर दो, बिल्कुल 15 दिन के लिए छोड़ दो। चीनी का इतना सा भी कनक कहते हैं ना, वो भी आपने इनटेक नहीं करना। ये वर्कआउट आपके कोर को एंगेज करेगा। जैसे जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दिए एक्सरसाइजेस के बीच में, उनको जरूर फॉलो करो कि कब आपको इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, कब आपको अपनी कोर को एंगेज करना है, मतलब अपने पेट को खींच कर, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके वहां पे इफेक्ट आना स्टार्ट हो रहा है। सुपर डुपर इफेक्टिव है। इस तेल को बनाना कैसे है, ठीक है, और लगाने का सही तरीका आपको बता चुकी हूँ मैं। बनाने का क्या तरीका है, किन किन चीजों की जरूरत है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। इसके ऊपर पूरा वीडियो है, ध्यान से उसको सुने, फॉलो करें, और आपके ऊपर जो भी बेहतरीन रिजल्ट आएगा मुझसे शेयर करना मत भूलें। ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।